वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इवेंट मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी किया था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिस्क एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स एंड रिस्क ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो रिस्क एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है एंड चैलेंजेस, दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल इन दिस सेक्शन। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द दिस इवेंट मैनेजमेंट। सो फर्स्ट वील सी द चैलेंजेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। सो देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट माइट कम अक्रॉस ड्यूरिंग द इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में जो नंबर ऑफ चैलेंजेस ऑकर होते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस सेक्शन। सो फर्स्ट चैलेंज इज एन इनिशियल चैलेंज इज रिलेटेड टू द फंड्स और द टूल्स एंड एफर्ट नीडेड टू इंस्टॉल एंड यूज ऑफ टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल चैलेंज है वो है रिगार्डिंग द फंड मैनेजमेंट एंड जो टूल्स यूज होंगे इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में। ठीक है, उसका जो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिगार्डिंग दैट। सेकेंड चैलेंज इज अनदर मेजर चैलेंज इज द सेटिंग ऑफ करेक्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग। इफ द लेवल ऑफ फिल्टरिंग इज बींग सेट इनकरेक्टली देन इट कैन रिजल्ट इन आइदर बींग फ्लडेड विद द रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट इवेंट और नॉट बींग एबल टू डिटेक्ट द रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, तो सेकेंड जो चैलेंज है वो रिगार्डिंग फिल्टरिंग लेवल है। ठीक है, तो जो फिल्टर्स हम प्रोसेस में ऐड करेंगे वो इनकरेक्ट अगर इम्प्लीमेंट हुए तो उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, तो जिसमें जो इनसफिशियंट इवेंट्स है, ठीक है, एंड दैट विल डिटेक्ट द रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो जो इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो वो इवेंट भी यहाँ पे ऑकर होंगे अगर हम यहाँ पे फिल्टर ठीक से इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो ये एक चैलेंजिंग फैक्टर है रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ द रोलिंग आउट ऑफ द नेसेसरी मॉनिटरिंग एजेंट्स अक्रॉस द एंटायर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दिस रिक्वायर्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच टर्न्स कैन जनरेट अदर एक्टिविटीज दैट कुड बी डाइवर्ट द रिसोर्सेज एंड डिले द रोल आउट। नेक्स्ट इज द एक्वायरिंग द नेसेसरी स्किल दैट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। तो जो नेसेसरी स्किल रिक्वायर्ड है फॉर इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस है। तो ये सारे चैलेंजेस है रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट। देन वील स्टडी द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट। सो द फर्स्ट क्रिटिकल फैक्टर इज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द नेसेसरी फंडिंग दैट परस्यू द बिजनेस केस शुड बी प्रिपेयर शोइंग हाउ द बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव इवेंट मैनेजमेंट कैन बी बैलेंस द कॉस्ट गिविंग द पॉजिटिव रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है रिगार्डिंग इवेंट मैनेजमेंट, इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है फंडिंग। तो जो फंड यहाँ पे इन्वेस्ट होगा एंड उस फंड के अकॉर्डिंग जो यहाँ से रिटर्न आएगा, ठीक है, बाय दिस इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, तो इस पर बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एंड जो बेनिफिट्स है वो इफेक्टिव इवेंट मैनेजमेंट के वो बिजनेस में यहाँ पे ऑकर होना चाहिए। तो ये एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है इवेंट मैनेजमेंट का। देन देयर विल बी अ थ्री कीज सो दैट विल बी अ करेक्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग आर एज फॉलोज। सो फर्स्ट इज इंटीग्रेट द इवेंट मैनेजमेंट इनटू ऑल सर्विस मैनेजमेंट प्रोसेस वेयर इट इज़ फिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट मैनेजमेंट है इसमें जो भी सर्विसेज रन होंगी, ठीक है, सो दैट विल बी अ इंटीग्रेटेड। सो दिस विल इंश्योर दैट ओनली द इवेंट सिग्निफिकेंट टू दिस प्रोसेस आर रिपोर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट्स ऑकर होंगे रिगार्डिंग द प्रोसेस, ठीक है, तो रिलेटेड जो इवेंट्स होंगे फॉर दैट प्रोसेस, ओनली दैट इवेंट विल बी अ रिपोर्टेड। फॉर दैट पर्पज़ वी अप्लाई द फिल्टर्स। सेकेंड वन इज द डिज़ाइन द न्यू सर्विसेज विद द इवेंट मैनेजमेंट इन माइंड। तो जो न्यू सर्विसेज यहाँ पे डिज़ाइन होगा, ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट को ध्यान में रख के ही वो सर्विस यहाँ पे डिज़ाइन करना नेसेसरी है। थर्ड, ट्रायल एंड एरर। सो नो मैटर हाउ थ्रूली इवेंट मैनेजमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, देयर विल बी अ क्लासेस ऑफ इवेंट दैट आर नॉट प्रॉपरली फिल्टर। सो प्रॉपर प्लानिंग इज नीडेड फॉर द रोल आउट ऑफ मॉनिटरिंग एजेंट सॉफ्टवेयर अक्रॉस द एंटायर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज आर द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट। देन वी हैव टू स्टडी द रिस्क ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज द फेल्यूर टू ऑब्टेन द इक्वेट फंडिंग। तो जो फंडिंग यहाँ पे
इक्वेट होगा बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर वो यहाँ पे फेल हो जाता है तो ये भी यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर है इवेंट मैनेजमेंट के लिए। सेकंड रिस्क फैक्टर इज़ द इंश्योरिंग द करेक्ट लेवल ऑफ फिल्टरिंग, जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपर फिल्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इवेंट मैनेजमेंट में, सो जो इनप्रॉपर प्रोसेस है दैट कैन बी ऑल्सो ऑकर इन दिस इवेंट मैनेजमेंट। सो फिल्टरिंग इज़ रिक्वायर्ड, विच इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर इवेंट मैनेजमेंट। एंड द थर्ड रिस्क फैक्टर इज फेल्यूर टू मेंटेन द मोमेंटम इन रोलिंग आउट दैट नेसेसरी फॉर मॉनिटरिंग एजेंट अक्रॉस द IT इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज आर द थ्री रिस्क फैक्टर रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट। देन वील स्टडी द डिजाइनिंग फॉर द इवेंट मैनेजमेंट। सो इवेंट मैनेजमेंट इज द बेसिस फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड द अवेबिलिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस का जो मॉनिटरिंग होगा रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस एंड द अवेबिलिटी, सो दैट कैन बी मैनेज बाई यूजिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट। सो द एग्जैक्ट टारगेट एंड मैकेनिज्म फॉर द मॉनिटरिंग शुड बी स्पेसिफाइड एंड एग्रीड ड्यूरिंग द अवेबिलिटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म होगा मॉनिटरिंग के लिए सर्विसेज का वो स्पेसिफाई होना चाहिए एंड वो एग्रीड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवेबिलिटी एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस के साथ। सेकंड जो डिज़ाइनिंग है वो इवेंट मैनेजमेंट बिकम्स स्टैटिक डे टू डे ऑपरेशन विल डिफाइन विद द एडिशनल इवेंट प्रायोरिटीज अलर्ट एंड अदर इम्प्रूवमेंट दैट विल फीड थ्रू द कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। तो इवेंट मैनेजमेंट में जो डे टू डे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या डे टू डे जो प्रोसेसेस यहाँ पे परफॉर्म होगा या एग्जीक्यूट होगा तो एक डिफाइंड मैनेजमेंट में होना चाहिए एंड जो प्रायोरिटीज़ है इवेंट का वो भी डिसाइड होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटीज़ अलर्ट्स आर गिवन टू द यूजर्स और कस्टमर। सो दिस इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस इन दिस सर्विस स्ट्रैटेजी। सो सर्विस ऑपरेशन फंक्शन विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिज़ाइन ऑफ द सर्विस एंड हाउ इट इज मेजर्ड। सो दीज आर द सम स्टेप्स रिगार्डिंग द डिज़ाइनिंग ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टर्म इज द इंस्ट्रूमेंटेशन। सो इंस्ट्रूमेंटेशन इज अबाउट डिफाइनिंग एंड डिजाइनिंग एग्जैक्टली हाउ टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ IT सर्विसेज। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो डेफिनेशन है वो रिगार्डिंग डिजाइनिंग है, ठीक है। सो हाउ दिस सर्विसेज कैन बी मॉनिटर एंड कंट्रोल बाय यूजिंग द IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IT सर्विसेज, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिंपली इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिसीजंस फॉर्म होंगे, ठीक है। सो दैट डिसीजन वी हैव टू स्टडी। सो डिसीजन दैट नीड टू मेड द और इंक्लूडेड इन दिस इंस्ट्रूमेंटेशन इज व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इवेंट प्रोसेस होंगे या इवेंट मैनेज होंगे तो उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, किस टाइप का मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। तो मॉनिटरिंग के अलग अलग टाइप्स है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव मॉनिटरिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट। थर्ड, व्हाट डू वी नीड टू जनरेट एन इवेंट, ठीक है। देन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीड टू बी कम्युनिकेटेड इन द इवेंट, ठीक है। तो इवेंट में किस टाइप का इंफॉर्मेशन या डेटा यहाँ पे जनरेट होगा या कम्युनिकेट होगा दैट वी हैव टू स्टडी। देन हु आर द मैसेज इंटेंडेड फॉर, ठीक है। सो दीज आर द सम डिसीजन दैट हैज़ टू बी मेड इन द इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस। देन नेक्स्ट टर्म इज द एरर मैसेजिंग। सो एरर मैसेजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पोनेंट लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इवेंट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्टर्स है या कॉम्पोनेंट्स है लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क जो यूज़ होगा इवेंट मैनेजमेंट में, ठीक है। तो उसमें जो एरर मैसेजिंग है, ठीक है, सो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो दिस एरर मैसेज और द कोड शुड बी क्लियरली इंडिकेट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ फेल्यूर एंड मोस्ट लाइकली कॉज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिस्टम या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या नेटवर्क यहाँ पे फेल होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरर मैसेज है वो यहाँ पे प्रॉपर वे से नोट होना चाहिए, ठीक है, या इंडिकेट होना चाहिए। सो दैट इज़ अ एरर मैसेजिंग। सो दिस विल एंड द टॉपिक ऑफ दिस चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द इंसिडेंट मैनेजमेंट, चैलेंजेस, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड रिस्क।
So first we have to study the incident management. So incident management is the process of managing the IT service disruptions and restoring the services within the agreed SLA, that is service level agreement. तो इंसिडेंट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आईटी सर्विसेज को मैनेज किया जाएगा एंड जो भी फेल्यूर है, ठीक है, फेल्यूर होने के बाद कितने टाइम में वो सर्विस वापस रिस्टोर होता है अकॉर्डिंग टू द SLA, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है बिटवीन कस्टमर एंड आईटी सर्विस प्रोवाइडर में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट दैट कैन बी मैनेज. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ इंसिडेंट मैनेजमेंट. सो द स्कोप ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट स्टार्ट विद एन एंड यूजर रिपोर्टिंग एन इश्यू एंड एंड्स विद द सर्विस डेस्क टीम ऑफ मेंबर रिजॉल्विंग दैट इशू. ठीक है, तो जो स्कोप है इंसिडेंट मैनेजमेंट का वो स्टार्ट होता है एंड यूजर से, जो एंड यूजर सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, अगर उसमें कोई फेल्यूर आता है सो दैट यूजर विल रिपोर्ट टू द सर्विस डेस्क टीम ऑफ द IT सर्विस प्रोवाइडर एंड वो किस तरह से इस इशूज़ को रिजॉल्व करते हैं. सो दैट इज़ द सिंपली स्कोप ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट. So all the relevant information related to the nature of incident must be logged so that full historical record is maintained. ठीक है, तो यहाँ पे जो incident management है इसमें जो total events है, ठीक है, तो इसको log करके हम जो historical data है, ठीक है, that can be maintained so that if the incident has to be referred to other support group so they will have relevant information to hand to assist them. Then we'll study the objective of incident management. So the first objective of the incident management is ensure that standard methods and procedures are used for efficient and prompt response, analysis, documentation or ongoing management and reporting of incident. ठीक है, तो यहाँ पे incident management के लिए जो standard procedures है, response है या documentation needed है, ठीक है, for the reporting of incident that can be a ensure. Second objective is increase the visibility and communication of incident to the business and IT support staff. Third one is the enhance the business perception of IT through use of professional approach in quickly resolving and communicating the incident when they occur. तो जैसे ही services में कोई failure या incident occur होता है, ठीक है, so at that time it that event will be a quickly resolve and communicate the incident when it is occur. Fourth one is the align incident management activities and priorities with those of the business and the last one is maintain user satisfaction with the quality of IT service. ठीक है, क्योंकि जो users या customer use कर रहे IT service, ठीक है, so they must be a satisfied. So these are the objectives of the incident management. Then we'll study the value to the business. So the value of incident management includes, first, it has the capability to reduce the unplanned labor and cost both for business and IT support staff that caused the incident. Second, it has the capability to detect and resolve the incident which results in lower downtime to the business. तो यहाँ पे जो capability है event management का, ठीक है, so that will be a detect and resolve the incident when the results in lower downtime. तो जैसे ही सिस्टम या सर्विस फेल्यूर होगा, ठीक है, तो कम से कम टाइम में उसे रिकवर किया जा सके, तो उसका जो डाउन टाइम है दैट विल बी अ लोअर वन. सो विच इन टर्म्स मीन्स हायर अवेबिलिटी ऑफ द सर्विस, ताकि जिसकी वजह से जो अवेबिलिटी सर्विस का वो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो सके कस्टमर को. So these are the points regarding the value to the business. Then next topic is the process activities, methods and technique. The process to be followed during the management of incident is shown in the below flow graph. तो यहाँ पे एक flow chart दिया हुआ है regarding the process or activities or the techniques used for the this incident management. So first start, then after that occurrence of the incident, then notification to the user, then after that event logging is there. ठीक है, तो event logging में जो भी necessary data होगा, कब failure occur हुआ है, कितने time पे हुआ है, ठीक है, तो ये सब data यहाँ पे as a incident management save होगा. ठीक है, after that warning signal will be generated, if there is a exception then it will be a incident management. Then information is passed out
then auto response is there. So this is the flowchart for the this incident management. Then all these processes we have to study in detail. So first one is the incident login. So all the incident should be fully logged with the date and time stamp. ठीक है, तो event login में यहाँ पे जो भी data होगा related to that event, जिसमें date time stamp होगा, ठीक है, so that will be a log out. Next is the incident categorization. So it is important later when the looking at incident types frequencies to establish the trend of use in problem management. Third one is the incident prioritization. So it deals with the sensitivity of event, that is low, medium and high. ठीक है, तो incident को यहाँ पे prioritize किया गया है. ठीक है, low priority, medium and highest priority. तो highest priority events को यहाँ पे first प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद मीडियम एंड देन लो. फोर्थ वन इज द इंसिडेंट डायग्नोसिस. सो सर्विस डेस्क एनालिस्ट मस्ट कैरी आउट द इनिशियल डायग्नोसिस व्हाइल द यूजर इज ऑन कॉल एंड ट्राई टू डिस्कवर द फुल सिम्टम्स ऑफ द इंसिडेंट एंड टू डिटरमाइन द एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग रॉन्ग एंड हाउ टू करेक्ट इट. ठीक है, तो इंसिडेंट जो हैपन होगा उसको यहाँ पे डायग्नोसिस करने का वर्क यहाँ पे जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट है आईटी सर्विस प्रोवाइडर के वो यहाँ पे करेंगे. ठीक है, एंड दैट इंसिडेंट विल बी अ करेक्ट वन. देन नेक्स्ट इज द इंसिडेंट एस्केलेशन. इन दैट द फर्स्ट इज द फंक्शन एस्केलेशन. सो व्हेन इट बिकम्स क्लियर दैट सर्विस डेस्क इज अनेबल टू रिजॉल्व द इंसिडेंट और टारगेट टाइम ऑफ सर्विस डेस्क हैज़ बीन एक्सीडेड द इंसिडेंट मस्ट बी एस्केलेटेड इमिडिएटली फर्दर सपोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव है अगर उनसे यहाँ पे जो इंसिडेंट है, ठीक है, या जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद उस सर्विस को या इंसिडेंट को एस्केलेट किया जाएगा बाय यूजिंग द फर्दर सपोर्ट फ्रॉम द टेक्निकल टीम. नेक्स्ट वन इज द रिजोल्यूशन एंड रिकवरी. अ पोटेंशियल रिजोल्यूशन नीड टू बी आइडेंटिफाई अप्लाइड एंड टेस्टेड. सेवन वन इज द इंसिडेंट क्लोजर. सो बिफोर क्लोजिंग द इंसिडेंट सर्विस डेस्क शुड आस्क द यूजर वेदर ही इज सेटिस्फाइड एंड एग्री टू क्लोज द इंसिडेंट एंड सर्विस डेस्क शुड चेक द फॉलोइंग टर्म्स. ठीक है, तो इंसिडेंट क्लोज करने से पहले, ठीक है, सर्विस डेस्क एग्जीक्यूटिव यहाँ पे यूजर से या कस्टमर से क्वेश्चन पूछेगा ही और शी विल बी सेटिस्फाइड और एग्रीड टू क्लोज द इवेंट और नॉट. And it will take some time and also check out some documents like closure categorization. So these are the process activities and methods and techniques used in the incident management. Then we have to study the challenges, critical success factor and risk of the incident management. So first we will study the challenges regarding the incident management. The following are the challenges will exist for successful incident management. First challenge is detect the incident as soon as possible. ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे incident happen होगा services में, ठीक है, so that should be detected. So that will be a first challenge. Second, convincing all the technicians and the users of the need of the registration of all the incident. ठीक है, तो भी जो भी registration होगा regarding the incident, जब भी इंसिडेंट हैपन होगा सो दैट विल बी अ नीडेड फॉर द रजिस्ट्रेशन. थर्ड, प्रॉम्प्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म. मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू द नोन प्रॉब्लम्स एंड एरर्स. ठीक है, तो जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स या एरर्स हैपन होते हैं सर्विसेज में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारा मेंशन होना चाहिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. देन रिलेट द इंसिडेंट मैनेजमेंट विद द कॉन्फिग्रेशन आइटम, दैट इज CI. So these are the challenges for the incident management. Then we study the critical success factor of incident management. So first critical success factor is a good service desk is critical for incident management to properly work. Second is define clear objective of incident management including SLA. SLA is the service level agreement that can be happen with the user. So the objective of incident management is clearly mentioned in the service level agreement.
And the third one is the provide adequate tools for incident management automation as well as monitoring and the control of the process. ठीक है, तो यहाँ पे जो टूल्स रिक्वायर्ड है फॉर ऑटोमेशन ऑफ इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस के लिए, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए. तो ये भी एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है इंसिडेंट मैनेजमेंट का. एंड देन लास्ट वन इज़ द रिस्क रिगार्डिंग द इंसिडेंट मैनेजमेंट. सो बींग ओवरहेल्म बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट नॉट अफोर्डेबल ड्यू टू पुअर साइजिंग कैपेसिटी ट्रेनिंग ऑफ बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क. The resolution of event does not progress properly due to the lack of support tools and perform automatic tracking and generate the notification and alert. तो जो भी incidents happen होंगे service में, ठीक है, तो lack of tools and automatic tracking system and notification या alerts की वजह से उसमें delay नहीं होना चाहिए. तो ये भी एक risk factor है incident management में. थर्ड रिस्क फैक्टर इज द फेल्यूर टू मीट द SLA ड्यू टू द लैक ऑफ टाइमिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ अ इनएडुकेट सपोर्ट टूल्स. ठीक है, तो जो भी सर्विस लेवल एग्रीमेंट है बिटवीन IT सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट द देर इज अ लैक ऑफ टाइमिंग इन्फॉर्मेशन. सो दैट विल हैपन द इनएडुकेट सपोर्ट टूल्स फॉर द सपोर्ट टीम. एंड द लास्ट वन इज द ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट, दैट इज OLA एंड underpinning contract not aligned with the objectives of the service. So these are the risk factor regarding the incident management. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.